जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे दैनिक राशिफल की। दैनिक राशिफल में कुंभ राशि के 10 नवंबर के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। और कौन कौन से अक्षर कुंभ राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पहले आज का विचार जान लेते हैं। यदि आपको दूसरों की प्रतीक्षा करने की आदत है तो आप अवश्य ही पीछे रह जाएंगे। यदि आप एक घंटा श्रेष्ठ कर्म करने में लगाते हैं तो 1000 गुना लाभ होता है। अगर आप एक घंटा व्यर्थ के कामों में गंवाते हैं तो 1000 गुना हानि होती है। स्वयं पर अधिकार ही वास्तविक सामर्थ्य है, दूसरों पर अधिकार असली शक्ति का परिचायक नहीं है। अल्प बुद्धि व्यक्ति थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेने पर ही स्वयं को महान विद्वान समझने लगता है। कोई भी कार्य करने से पूर्व एक क्षण रुकें, उसके परिणाम के बारे में सोचें और फिर शुरू करें। अपने समय को सर्वोत्तम ढंग से प्रयोग करने के लिए बड़ी शक्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए धैर्य, नम्रता और सहन शक्ति धारण करो। अगर आप सदा स्वयं की दूसरों के साथ तुलना करते रहते हैं तो आप अवश्य ही या तो अहंकार के अथवा ईर्ष्या के शिकार हो जाएंगे। समस्याएँ चाहे कैसी भी हों परंतु इनसे कभी ना घबराइए, बल्कि इन्हें परीक्षा समझकर पास कीजिए। ये 10 नवंबर 2021 का पंचांग जान लेते हैं। 10 नवंबर 2021 विक्रम संवत 2078 दिन बुधवार रहेगा। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष तिथि षष्ठी रहेगी। नवंबर 10 को 8:25 तक फिर शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि रहेगी। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नवंबर 10 को 3:41 तक रहेगा, फिर श्रवण नक्षत्र रहेगा। राहु काल 12:10 से 1:33 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त 10 नवंबर के दिन नहीं है। सूर्य तुला राशि में रहेंगे और चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे और राहु काल में आपको कोई भी शुभ और नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे तो मकर राशि कुंभ राशि वालों का 12वां भाव है और वहाँ पर आपके चंद्रमा का गोचर है आज के दिन, यानी 10 नवंबर के दिन, और वहाँ पर शनि और गुरु का गोचर पहले से है। तो शनि और गुरु का गोचर पहले से है और चंद्रमा का गोचर होगा, छठे भाव के स्वामी हैं। आज के दिन आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और आपको व्यर्थ के विवादों से बचना होगा। अगर आपका विदेशी कंपनी से जुड़ा कारोबार है तो लाभ होगा, विदेश से जुड़ा कोई कारोबार है तो आपको लाभ होगा। हॉस्पिटल क्षेत्र से कोई भी जुड़ा कारोबार है, यानी आपका कोई नर्सिंग होम है, आपका क्लिनिक है, आपका मेडिकल स्टोर है, या आप वहां पर कार्य करते हैं, तो आज के दिन आपको लाभ निश्चित ही मिलेगा और दिन आपका अच्छा रहेगा। शनि और गुरु वहाँ पर पहले से ही हैं तो गुरु आय भाव के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं, लेकिन खर्चों की अधिकता अवश्य रहेगी क्योंकि छठे भाव का स्वामी भी वहाँ पर है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको विशेष रखना पड़ेगा। पैसे की अहमियत को आप अच्छे से समझें और आज के दिन आप पैसों की बचत करने की भरपूर कोशिश करें, बाद में आपके धन बहुत काम आएगा, किसी बड़ी मुश्किल वक्त में भी काम आ सकता है। जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी होती है उनसे बातचीत और संपर्क करने के लिए अच्छा दिन है। आपके प्रेम संबंधों में आज एक कोई नई बात आपका प्रेमी प्रेमिका आपसे कर सकता है, यानी प्रेम कहानी आपकी एक नया मोड़ ले सकती है। आपका साथी आज आपसे शादी को लेकर बात कर सकता है, यानी प्रेम संबंध अगर आपके पहले से चल रहे हैं तो आपका प्रेमी या प्रेमिका आज के दिन आपको शादी के लिए कह सकता है कि आप अपने घर वालों से शादी की बात करें, ये बातें हो सकती हैं। ऐसे में कोई भी फैसला लेने से पहले आपको पूरा सोच विचार कर आगे बढ़ना चाहिए। अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में कितना आगे जाना है ये आपका विचार है और आपको सोच समझकर आगे बढ़ना है। व्यापारिक संबंध आपके आज कुछ विकसित होंगे जो आगे चलकर बहुत फायदा देंगे। परिवार के सदस्यों में आपके कोई करीबी सदस्य आज आपसे ऐसी बातें कर सकता है जिनसे आप बहुत दुखी हो सकते हैं। और शनि की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर भी है, परिवार के भाव पर है, वाणी के भाव पर है, धन के भाव पर है, आपके राशि स्वामी भी हैं,
लेकिन फिर भी परिवार के सदस्यों से बातचीत करते वक्त आपको थोड़ा सा संयम अपनाना होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, कोई ऐसी बातें ना करें जिससे वाद विवाद आगे बढ़े। तो वाणी पर संयम आपको अवश्य रखना होगा, इस बात का ध्यान रखें। और पैसे की लेन देन या किसी की जमानत वगैरह आज आप अगर दे रहे हैं तो ध्यान से दें, क्योंकि ये जमानत आपको आगे परेशान कर सकती है, इस बात का ध्यान रखना है। एकाग्रता का ध्यान रखें, एकाग्रता का भाव आज के दिन देखने को मिल सकता है, जिससे आपको शिक्षा के मामले में थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आज आपका पढ़ाई में उतना मन नहीं लगेगा जितना लगना चाहिए। तो आप अपनी एकाग्रता को बनाए रखें और अपने शिक्षा से संबंधित कार्यों पर ध्यान दें, यानी अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें। पैसे का कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो आप सोच समझकर विशेषज्ञ की राय लेकर करें, पैसे का निवेश गलत जगह ना हो इसका अवश्य ध्यान रखें। पारिवारिक सदस्यों के साथ कोई भी ऐसी बात ना करें जो अनबन हो, गलतफहमी बिल्कुल ना करें, और वाहन चलाते वक्त सावधानी रखें। और आज का दिन वैसे आपका अच्छा जाने वाला, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी और आपके कार्य भी सब समय पर पूरे होंगे, जिससे आपके कार्य सही दिशा में जाएंगे। और आप सपने बहुत देखते हैं, सपने देखें सपने विचारों में बदलते हैं और यही विचार सफलता की ओर बढ़ते हैं, लेकिन सपने देखने के साथ साथ उनको कार्यों में लाएं, यानी उनके प्रति आप प्रैक्टिकल हों, उनको आप करें जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। और कोई यात्रा हो सकती है, विदेश यात्रा भी हो सकती है, जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं वो लोग विदेश यात्रा कर सकते हैं। और विदेश यात्रा में अगर कोई व्यापारिक विदेश यात्रा होती है तो आज के दिन की यात्रा आपको लाभ देगी और ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होगी जिनसे आगे चलकर आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा करें, छोटे छोटे निर्णय करने में समय ना गंवाएं, जल्दी से निर्णय लें और कोई भी अपना ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके जीवन साथी को आपके कार्यों को लेकर कोई दिक्कत हो। प्रेम जीवन में स्थिति अनुकूल रहेगी, आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मधुरता आएगी, मित्रता का भाव भी आएगा और आज आपको ऐसा भी लगेगा कि आपका प्रेमी प्रेमिका आपके प्रेमी प्रेमिका होने के साथ साथ आपका सच्चा मित्र भी है। आज आप अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे और कोई ज़रूरी निर्णय लेते हुए अपने जीवन साथी की सलाह अवश्य लें, साथ ही उसे बताना ना भूलें कि आप उसके लिए बहुत अहमियत रखते हैं और आप अपनी आज़ादी का पूरा मज़ा लेंगे। आपको अपने को थोड़ा सा आराम करने और थोड़ा दोस्ताना दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। अपने आप को आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आज के दिन आप शामिल कर सकते हैं, जिससे आपको राहत भी मिलेगी, कार्य आपके अनुकूल होंगे और अनुकूल परिणाम भी कार्यों के मिलेंगे, काम का दबाव थोड़ा अधिक रह सकता है। धन के मामले में थोड़ा सा आपको खर्चों से बचना है, खर्चों का विशेष आज के दिन ध्यान रखना है और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, इन दो बातों का आज आपको ध्यान रखना है। आज का दिन सेहत के लिहाज से थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए लापरवाही ना बरतें, और खर्चों के लिहाज से भी थोड़ा कमज़ोर है, खर्चों में बढ़ोतरी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। पारिवारिक जीवन के लिए दिन अच्छा है और प्रेमी प्रेमिका के साथ में संबंधों में भी दिन अच्छा है और जीवन साथी के साथ भी संबंधों में दिन अच्छा है। तो कुल मिलाकर इस तरह के कुछ परिणाम रहने वाले हैं 10 नवंबर 2021 के। उपाय की बात करें तो सूर्य को रोजाना जल दें, तांबे के लोटे से दें, सुबह उठकर नहा धोकर जल अर्पित करें, इस समय सबसे ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा इसका। और गाय को अपने हाथों से मूंग खिला सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो इनमें से जो भी उपाय आप आराम से कर सकें कर लें मित्रों, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपको कुंभ राशि वालों के 10 नवंबर 2021 के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतरदशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।